अस्सलाम वालेकुम इब्रार अहमद अपनी नगरी चैनल तो अज असा मौजूद हाँ नशेमन मैरिज आदि विच नाल एक असी जी यूट्यूबर ने बैठे हुए सबर शराह साहब ये कोई कल जरा इन्होंने कोई अपन होया कोई जाइए सन शादी पर इन्होंने को बड़ा मुश्किल जरा ना टाइम किंदा सा घर ही आने सन जरा ना आई जे मुलाकात वास्ते लेकिन पहले मैं जुम्मा पढ़ सा जुम्मे नहीं भजा जुम्मा पढ़िया ने तो नाल ही जाना असा भी आया चलो पुछने नाले तुसां की भी दसने भी जरा इन्हों का क्या वाक्य पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। थैंक यू जज़ाकअल्लाह पाक से खुश रखा जनाब स्वामी की बहुत ज़्यादा कॉल करती है। पहली गल है मैं फोन चैलेंज लाया इस वेल्ले सब तो बंद ले उड़ा सी पहले रात फोन माड़ा बंद रहा मूँ दोस्तों भैया भी कॉल की जी सबर शराज भाई तुम्हारा क्या कुछ वाक्य पेश आया जनाब कल मैं चकसवाड़ी तो बाद बरात जा रहा सा दिने मुकाम पर एक रोड एक्सीडेंट होया माड़ी जी गड्डी सी जिसे मैं बैठा सा सब पांच बंदे सा ये बहुत बड़ी खाई सी उसने गिरी सी जरा ना तुसने जो बकाया नाल सन बैठे वे वो दो साहिबाब सारे बची गए नहीं अगर जी अल्लाह ना बड़ा कड़म होया सारे बची गए लेकिन अंदरूनी चोटों से बूह ही लगी बड़ा भजने टुटने तो बची गए अखी तक सट लगे बहुत ज्यादा इस बार ओठ माने विचों इस बार माड़ी लत है जी उसकी सट्टा लगी माड़ा जरा पैर है उसने भी अच्छ एक्सरा कराया वह भी अलहमदुल्ला ठीक है इस टाइम बस सब दोस्तों भाइयों ने शुक्र अदा करना जिन्हें माड़िया पोस्टा लिखिया जिन्हें माने अच्छे अच्छे कमेंट कितने बस इन्हें भैन पढ़ाया उन्हें वजह तो मैं अलहमदुल्ला इस टाइम तुम सामने हाँ बिलखसूस कि डी टी वी ने जो ओनर आ कादर भाई उन्हें माड़ी पोस्ट लिखी है तो मैं उन्होंने शुक्र अदा करना सर तो ये दसो भाई उठा चलना तुम की ट्रीटमेंट है जरा किस तरह जाना जल्दी कोई गड्डी कोई लभी है या किस तरह अस्पताल हॉस्पिटल किस तरह पहुंचे सर तकरीबन डेढ़ बजे वाक्य होया है मैं सारा ओश ओश सा मैं अलहमदुल्ला ठीक है मैं गड्डिया चीज़ा जी कटने कटिया जरूरी जरूरी सा फिर जिन्हें दोस्तों की ज़्यादा सट्टा लगे सोने मैं सलटाई उड़िया फिर मैं फटोफट अच्छी कह अपर सरके पर यारा भाई पर कॉल कती सी लेकिन दौड़ कॉल करने के बावजूद उन्हें कॉल माणी कोई रिसीव कती या कोई समझ कोई लगी क्या होया उस मैं भी अंडर प्रेशर सा तो फिर सा अपनी गड्डी पराडो सी जी ठीक है नाल खड़ी सी बरात उसने खड़िया तहसील हैडक्वाटर सवान शुभम एजेंसी उत्थे डॉक्टर तलाह साहब सौ जे तो उन्हें माशाला उन्होंने लेडीज डॉक्टर से कोई माशाला उन्हें बड़ी ट्रीटमेंट अच्छी की है अल्लाह पाक उन्हें मदीने पाक सदके उन्हें अच्छी मेहनत करने तफीक दरमाया नुकसान वाले ये दसो भी इंसानी जरा ना जहर है गड्डिया छड़िया या जो चीज़ें बनिया रहनिया तुसा जो साथी सन तुमने वो बकाया सारे बची गए जी अलहमदुल्ला जानी नुकसान कोई नहीं होया अल्लाह तला ने बड़ा शुक्र अदा किया सौ तो गड्डिया तो बनिया रहने गल सही है गड्डी तो सारी तकरीबन भजी गई है तो बाकी चलो अल्लाह तला सब कड़म कड़ा है ये दसो भी गड्डी है जी तुसा मेन रोड है परों जल गई है कुसै खाई वाली साइड तो क्या कोई फील हो मैं सब तू पहले मदीने पा के याद किया इस तू बाद माड़ी जी आखिरी जिंदगी की ख्वाहिश थी अगर माने बहुत अच्छा मैं कलमा नसीब होया मदीने तो बाद मैं फौरन कलमा पढ़िया इस तू बाद जो गड्डी तोड़ थला जाई है तकरीबन बहुत ज्यादा सिखा था कितने फुट से अंदाजा नहीं लगी सकना इसलिए मिगी बहुत ज्यादा खाई गिट सी गड्डी तो फिर मिगी थोड़ी होश थी मैं बाड़ी से खोली है उन्हें दोस्तों कढ़िया तो बस अल्लाह याद करता सी ना अल्लाह ना किन्नी क्या कलमा पढ़िया सी अलहमदुल्ला जी मेरी जिंदगी ख्वाहिश थी फील करता मैं पूरी हुई सी तो साढ़े तकने सुनने वाले पास क्या कोई पैगाम दसो तकने ने यह दसा कि खुदारा कोई खुदा ना खौफ करो हक सच ना साथ दियो माड़ी जिंदगी को नहीं पता मैं किसी टाइम भी मरी सकना लेकिन मैं ये चाहना कि जे यंग ने जवान ना है हक सच ना साथ दें चाहे वो सरकारी मुलाजम है चाहे दुआ है कोई भी अपन कुछ भी होना उस हक सच पर मैरिट पर गल करा और सीनियर साफी साहब ही मैं एक गुजारिश करना खदारा तुसा को कलम है एक मुकदस पेशा है इस हक सच लिखो हक सच बो ताकि माशरे अंदर मजीद जो खराबियां ना पैदा हो बहुत अच्छा तुम पैगाम दिता था असा कि टाइम दिता था सुना असा शुक्रिया अदा करने जी जनाब कोई मसला नहीं बस मैं सच्ची गल बहुत स्वामी की फोन करता से आने से कॉल लाइन लेकिन मैं आखिया सब पहले जुम्मा पढ़ सा इस बाद रबता कर सा फिर जुम्मा पढ़ी क्या मैं सू रबता किया है तुसा तभी मिली गए तो तुसा भी बड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक से सिद्ध है अल्लाह तला जुम्मे तो फैल सबेंगी कर्म फरमाए मेहरबानी शुक्रिया जी इसे नाल इजाजत इब्रार अहमद अपनी नगरी चैनल तो तमाम तकने सुनने की खुदा हाफिज़।